पूरे प्रदेश में मजदूरों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और छीनी जा रही नौकरियों को लेकर फरीदाबाद में मजदूर इंकलाबी संगठन ने ढपली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सैकड़ों महिला और पुरुष मजदूरों ने विरोध रैली निकालते हुए सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर मजदूर के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और जोरदार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी मालिक मनमानी करते हुए मजदूरों को नौकरी से निकाल रहे हैं, जिससे पीड़ित फरीदाबाद में ही नहीं रोहतक में भी 700 कर्मचारी हैं जिनका विरोध प्रदर्शन रोहतक में चल रहा है। मजदूर संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द मजदूरों की बात सुनी जाए, वरना आने वाले दिनों में मजदूर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है क्योंकि मजदूरों के साथ जो अत्याचार होते जा रहे हैं दिन पर दिन, पहले अंग्रेजनों मारुति और जगह पर भी इसी तरह से जबरदस्ती झूठे आरोपों में जेलों में डाला जा रहा है और कोई उनकी मांगे जो जायज मांगे उनको सुना नहीं जाता। उसके अभी यहाँ पर जो है एसी ने ऑटो मोबाइल में वहाँ पर 3 मई से अपने मजदूर जो मांगे रखी थी प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब मांगे नहीं मानी गई उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल भी की और इस सारी मांगों को लेकर के जब कई महिला साथी मजदूर बीमार हो जाती हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मजदूर को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मगर प्रशासन और मैनेजमेंट के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। कल 31 मई को मजदूरों ने गेट के नजदीक जाकर के मैनेजमेंट को बताना है और गेट रोकने का प्रयास किया कि हमारे मांगी जायज है और उसको सुना जाए। इस पे जब मैनेजमेंट और प्रशासन मजदूरों की मांग सुनने के बजाय जनाब बरबर लाठीचार्ज किया है, 40 महिला मजदूरों को थाने में बंद किया है, 450 मजदूरों को थाने में बंद करके कितने दिनों से बैठे हुए हैं धरने पर? 3 मई से बैठे हुए थे, 3 मई से आज लगातार बैठे। अगर आज आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आज देखिए जनाब, हमें जो सूचना है रोहतक के अंदर भी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, डीसी ऑफिस पे, दिल्ली में हरियाणा भवन पे कर रहे हैं, फरीदाबाद में इंकलाबी मजदूर केंद्र और बिजनेस वर्कर्स यूनियन कर रही है विरोध प्रदर्शन। और मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम और यूनियनों के साथ यहाँ प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, जो भी हम पे बन पड़ेगा मजदूरों के लिए करेंगे, क्योंकि उनकी मांग जायज मांग है और न्याय की मांग है।